हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटी रॉय चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त सेंटी रॉय। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में यूट्यूब चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। आप अपना यूट्यूब चैनल करियर कैसे चालू कर सकते हैं, आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिसके पास यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा बहुत ज़्यादा। जिसके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, जो यूट्यूब चैनल चालू करने का सोच रहा है, तो ये बिल्कुल बिगनिंग से लेकर लास्ट तक होगा ये वीडियो। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। इसके अंदर मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा, कैसे आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आपको क्या चीज़ यूज़ करना है, क्या चीज़ नहीं यूज़ करना है। तो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइस, आप कंप्यूटर की स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपको पैसा कमाने के लिए। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन आने वाले टाइम पे आपकी इनकम सिर्फ बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। हर महीने आपकी इनकम जो आएगी वो बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं अगर 6,000 रुपये आ रही है तो नेक्स्ट मंथ में आपकी इनकम 7,000 या फिर 8,000 या फिर 9,000 आएगी, उसके बाद की इनकम और बढ़ती जाएगी। मतलब कि अगर आपका अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया, अच्छा आपने वीडियो बनाए, लोग आपको पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे करते करते आपका एक साल के अंदर ही, सिर्फ एक साल के अंदर ही आप लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल फैक्ट है और इसका प्रूफ आप जानते ही होंगे कि अमित बड़ाना को आप जानते ही होंगे, भुवन बम को भी जानते होंगे, या फिर जो टेक्निकल जो चैनल बनाते हैं टेक्निकल सागर को भी आप जानते ही होंगे। तो बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और जो जिसके पास कम सब्सक्राइबर है फिर भी वो लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। घर बैठे बैठे 40-50-60 हज़ार आराम से वो बैठ के कमा रहे हैं, इवन इससे ज़्यादा भी वो कमाते हैं। तो गाइस, लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। तो आपको एक नया यूट्यूब चैनल, मान लेते हैं कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है, आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपको पास एक जीमेल एड्रेस होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आपको एक नया बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा नंबर, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि कंप्यूटर अगर हो, लैपटॉप वगैरह हो या कंप्यूटर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे उसमें यूट्यूब चैनल को यूटिलाइज करने के लिए। और उसके बाद आपके पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होना चाहिए जिससे कि आप अपने साउंड रिकॉर्ड कर सकें। आप बेसिकली नॉर्मली अपने मोबाइल में साउंड रिकॉर्डर को इंस्टॉल करके आप वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में आपके पास एक स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं। अगर आप कोई फ़नी वीडियो बना रहे हैं तो आपके पास कैमरा होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कोई टेक्निकल से कोई सॉफ्टवेयर का रिव्यू वगैरह या फिर टेक्निकल कुछ बताना बना रहे हैं तो आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए जिससे कि आप अपने कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन को आप रिकॉर्ड कर सकें और जो आप चीज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, जो चीज़ सिखाना चाहते हैं वो चीज़, ताकि एक वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, और आपके पास एक लोगो ज़रूर होना चाहिए। आप अगर एक अच्छा चैनल बनाना चाहते हैं तो एक लोगो ज़रूर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल में लोग अपनी फ़ोटो लगा देते हैं, ठीक है, वो भी ओके है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल चैनल के अंदर आप देखेंगे कि लोगो लगा रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप लोगो करें, लोगो डालें। लोगो आप कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने जीमेल की तरफ। आपको एक जीमेल एड्रेस क्रिएट करना है। आपको कैसे क्रिएट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं आपको उस पर जाना है। उसके बाद जो उसका एड्रेस बार है वहाँ पे आपको लिखना है जीमेल, GMAIL, और कंट्रोल दबा के आपको एंटर को प्रेस कर देना है, इससे कि www.olaskar.com आ जाता है। तो ये जैसे मैंने किया तो ये अभी जो मेरा लास्ट जीमेल एड्रेस ओपन था वो अभी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो मुझे नया क्रिएट करना है, तो मैं नया क्रिएट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक बार इसको साइन आउट कर लेता हूँ मैं, जैसे मेरा साइन आउट हो गया है। अब मुझे इसके अंदर एक नया जीमेल एड्रेस क्रिएट करना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ अनदर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये सारे अकाउंट्स हैं जो कि यूट्यूब चैनल मेरे चलते हैं और मुझे एक नया अकाउंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट, तो मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया है तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है ऑलरेडी तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो हम लोग नया बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम देना है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल का ये नाम नहीं रहेगा, जो आप यहाँ पर नाम देंगे
वो नाम YouTube चैनल पे नहीं रहेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको पूरा डन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। नाम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि लिख देते हैं, कर देता हूँ यहाँ पे सेंटी लिख देते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम में रॉय लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ से हम लोग को यूज़र नेम, ठीक है, सेकेंड नंबर का यूज़र नेम। ये यूज़र नेम जीमेल के आईडी में रहेगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे कुछ भी देना है, मतलब कि जो हम लोग याद रख सकें और जो हम लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जीमेल आईडी हम लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इसी जीमेल आईडी से हम लोग एडसेंस को एक्टिव करेंगे। एडसेंस के अलावा हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्टिव करना पड़ेगा एक ही जीमेल एड्रेस से, जिस जीमेल एड्रेस से हम लोग का यूट्यूब चैनल बनेगा। तो आप अपने समझदारी के हिसाब से आप इसके अंदर टेक्स्ट डालें जो कि आपको याद रहे, ईजी हो और जो अच्छा लगे दिखने में, पढ़ने में भी बहुत एकदम क्लीन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल सा डाल देता हूँ कुछ भी, ये मैंने लिख दिया सेंटी डॉट 1437, फिर कर देते हैं डॉट ROY, इतना मैंने कर दिया। अब मैं नीचे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड पे जाके मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना है, ठीक है। ये जो लिस्ट खुली है आपके सामने, ऐसा कुछ लिस्ट नहीं खुलेगी, ये मेरे पास सेफ रहती है इसलिए यहाँ पे खुली हुई है, मैं इतने सारे जीमेल अकाउंट यूज़ करता हूँ एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ, तो जो आपने पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया है फर्स्ट में, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना है। तो मैं वो पासवर्ड यहाँ पे भी टाइप कर देता हूँ, ये मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। टाइप करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पे मैं प्रेस कर दूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे प्रेस करूँगा तो डैशबोर्ड फिर से चेंज हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। तो उसके बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा सेंटी वेलकम टू गूगल, ओके। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा कंट्री का लोगो, जो भी जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, इंडिया या फिर कोई दूसरी कंट्री है, तो आपका लोगो आ जाएगा। तो मेरा तो इंडिया नहीं है, तो इंडिया नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर मांगेगा, ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शनल लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर के साथ रजिस्टर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे ईमेल के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन है, लेकिन दोनों में से आपको एक मस्ट करना है, ज़रूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे एक फ़ोन नंबर ज़रूर डालें, ठीक है, जिससे कि आपको आगे जाके हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे रिकवरी ईमेल है, ये भी ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक रिकवरी ईमेल भी ज़रूर डालें, ताकि आपका अगर यूट्यूब चैनल का आपका पासवर्ड आप खो जाए, ठीक है, मिस्टेक से भूल जाए आप, तो आप वापस से उसको रिकवर कर सकें। तो मैं यहाँ पे आपको अपना, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और सॉरी, हाँ यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप देख सकते हैं कि अपने इंडिया में कोई 5-7 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है, और ये सिर्फ 9 नंबर का नंबर है, तो मेरा यहाँ का नंबर जैसे ही होता है। ये हो गया रिकवरी मेल, ठीक है। रिकवरी मेल मैं डाल देता हूँ अपना पुराना मेल, जो कि एक्टिव मेल होना चाहिए, ठीक है, जिस पे वर्क होना चाहिए। ये मैंने डाल दिया, ठीक है, मैंने मेल टाइप कर दिया। उसके बाद आ गया डेट ऑफ बर्थ, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा आपको बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन दें आप यहाँ पे सारी, ठीक है, क्योंकि आप एक बिज़नेस चालू करना चाह रहे हैं तो सब कुछ राइट रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालें। तो फ़िलहाल तो मैं आप यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल सही डालेंगे, ठीक है, ये मैं डाल दिया। उसके बाद जेंडर, आप मेल है फीमेल है, तो ये तो आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या हैं, वो डालें। मैं मेल हूँ तो मैंने मेल डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट दबा देना आपको। जैसे नेक्स्ट दबाएंगे आप तो आपका डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा, आपके पास आएगा ये फ़ोन वेरिफिकेशन, आपने फ़ोन नंबर डाला था तो फ़ोन वेरिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो आपने जो नंबर डाला था वो फ़ोन आपको अपने पास रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाई, यहाँ पे लिखा आ रहा है वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है, बिल्कुल ओके, एक बार चेक कर लेना है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सेंड कर देना, जैसे मैं सेंड दबाऊँगा तो यहाँ पर होगा क्या, ये गूगल आपको एक टेक्स्ट भेजेगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है जी माइनस, मेरे पास मैसेज आ गया है, तो मैं एक बार रीड कर लेता हूँ मैसेज को। मेरे पास जो टेक्स्ट आया है मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 742656, ये मेरा टाइप हो गया। अब मैं इसको कर दूँगा वेरीफाई, तो जैसे मैं वेरीफाई करूँगा इसको तो ये मेरा चैनल सॉरी जीमेल एड्रेस मेरे क्रिएट हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन आता है, ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्या करना है, इसको आपको येस आई एम इन ये नहीं करना है, ठीक है, स्किप कर देना है यहाँ से। अगर आपने यहाँ पर येस कर दिया तो ये आपसे पेमेंट भी मांग लेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आएगा जिसमें प्राइवेसी एंड टर्म्स होते हैं, इसको आपको रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से मूव डाउन करें हम नीचे करेंगे तो एग्री बटन आ जाता है,
तो यहाँ से एग्री बटन दबा देंगे। आई एग्री दबाएंगे जैसे ही, तो आई थिंक आपका चैनल, आपका अकाउंट बन चुका होगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि ये अभी चल रहा है, वेटिंग हो रहा है इधर से। यस, अभी हम लोगों का अकाउंट तैयार हो चुका है। ठीक है, तो एक यूट्यूब चैनल के लिए हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप अभी क्लियर कर लिया है। हम लोगों ने जीमेल आईडी अपना बना लिया। अब अपना जीमेल आईडी याद रखना है हमको। तो आपके पास ये फर्स्ट ऐसा ही बिल्कुल डैशबोर्ड आएगा जैसे अभी दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बोल रहा है नेक्स्ट कर देते हैं, फिर ओके बोल रहा है ओके कर देते हैं, तो आपके सामने ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक छोटी सी कंडीशन है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप वो सीख लें। जैसे आप नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, इनके ऊपर आपको एक एक करके क्लिक कर देना है, तो सारा का सारा आपका चैनल जो है वेरीफाई हो जाएगा। मैं ये वाला टिक किया हुआ है, पहला वाला अकाउंट क्रिएट वाला, दूसरा वाले पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक कर रहा हूँ ये टिक हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये तीसरे नंबर का है, गेट जीमेल फॉर मोबाइल, इस पर क्लिक करूँगा, ये भी टिक हो जाएगा। इसमें आ गया ये वाला OOCR कोड वगैरह, इसको हम लोग को स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हेल्प खुल गया, हेल्प को क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद आ गया चूज़ अ थीम, इस थीम पे क्लिक कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, थीम क्या रखना चाहते हैं आप इसमें, बैक साइड में तो कुछ भी रख सकते हैं लाइक दैट। ये मैंने क्लिक किया तो ये पीछे आ जाएगा, अभी आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा रखें जिससे कि आप अपनी मेल को ढंग से पढ़ पाएँ। ठीक है, विजुअल हो आपकी मेल, लाइक आई थिंक हाँ ये ठीक है। इसमें हम लोग मेल अपने ध्यान से पढ़ सकते हैं, ये रख लिया, सेव कर देते हैं यहाँ से, ये सेव कर दिया। उसके बाद तीसरा है इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट एंड मेल, तो इसको क्लिक कर दें जस्ट, उसको इम्पोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इम्पोर्ट करने के लिए बोलता है कोई अदर जीमेल एड्रेस से, तो अपने को नहीं करना है, क्लोज़ कर देंगे यहाँ से हम लोग। ठीक है, ये टिक कनेक्शन लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर चेंज प्रोफाइल इमेज, यहाँ पे जो प्रोफाइल का इमेज क्या होता है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ जूम करके। ये वाला जो इमेज होता है ना, एस लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने सेंट्री डॉट ये बनाया था तो ये आ गया था, तो इसमें एस आ गया, तो मुझे चेंज नहीं करना है। वैसे वैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप अपना लोगो यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप क्लिक नहीं करेंगे। तो अभी क्या करना है, आपको अपना जीमेल एड्रेस निकालना है, आपको पासवर्ड और जीमेल एड्रेस याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया इस एरो पे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया है, इस एड्रेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। एक सेकेंड, ये मेरे सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लेते हैं, ऊपर का भी हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद आप अपने नोट पैड की फाइल में कहीं पे सेव कर सकते हैं कि अगर आपको याद नहीं रहे तो। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट पैड की फाइल एक मैंने क्रिएट कर ली है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और अपना यहाँ पे लिख देता हूँ जी मेल आई डी या फिर यूट्यूब आई डी, यूट्यूब कर देते हैं, ऐसे मैंने लिख लिया है ताकि मैं इसको भूलूँ नहीं। ठीक है, ये हो गया आई डी, और पासवर्ड भी आप अपना यहाँ पर लिख लें और फाइल को कहीं पर सेव कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप नहीं करने वाला हूँ, पासवर्ड की जगह मैं यहाँ पे डॉट 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 डाल देते हैं, ये डाल देते हैं बस। ठीक है, आप अपना ऐसे करके सेव कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है, मैं इसको जस्ट सेव कर लेता हूँ फ़िलहाल तो डेस्कटॉप में ही, क्योंकि आपको दो से तीन दिन लगेगा इसको याद करने में। अगर वैसे तो याद ही रहेगा, अगर नहीं याद रहे तो फिर भी आप इसको कर सकते हैं सेव। ठीक है, तो ये मेरे सेव कर लिया, ये सेव हो गया, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग का जीमेल का काम हो गया। ठीक है, अब हम लोग को यूट्यूब पे मूव करना है, और अब हम लोग को एक लोगो भी चाहिए होगा। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोगो, अगर आप ग्राफिक काम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोगो कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको एक वेबसाइट देने वाला हूँ, उस वेबसाइट के थ्रू आपके पास हज़ारों लोगो मिलेंगे वहाँ पर, बिल्कुल 3D क्वालिटी में, बहुत हाई रेजोल्यूशन में मिलेंगे, आप किसी भी लोगो को यूज़ कर सकते हैं, वो सारे लोगो विदाउट कॉपीराइट है। ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे मैंने वो लिंक रखा हुआ है, ठीक है, ये लिंक है, इस लिंक को आपको, ये लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक को कॉपी करना है आपको। ठीक है, कॉपी करने के बाद अपना ब्राउज़र में जाएंगे, ब्लैंक ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पर एड्रेस बार पर राइट क्लिक करके पेस्ट एंड गो कर देंगे, तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक सर्च एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सर्च फॉर वेक्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर जाते हैं 3D लोगो या फिर 3D फ्री लोगो, ऐसे कुछ जो आप चाहते हैं। 3D लोगो मैंने क्लिक किया, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर दूंगा सर्च। आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने 3D लोगो सर्च किया तो हम लोग के सामने बहुत सारे रिजल्ट आ गए, बहुत सारे, यानी आपको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 12, यानी 12 लोगोस है।
ठीक है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 12 लोगो मिल जाएंगे, इसमें तो और ज़्यादा हैं। तो यहाँ से आप ढूंढें कि आपको कौन सा लोगो पसंद है, ठीक है, यहाँ से आप नीचे कर सकते हैं। और ठीक है, सारे के सारे अनकॉपीराइट हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये ठीक लग रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्ट क्लिक करूँगा इस लोगो को लेने के लिए। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इस पेज में आने के बाद आपका जो जिस जो आपने क्लिक किया था वो यहाँ पे बड़ी सी इमेज आ जाएगी, ठीक है, जहाँ मेरा माउस है, यहाँ आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ बड़ी सी इमेज आ गई। यहाँ पे साथ में आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा फ्री डाउनलोड दिस फाइल नाउ। इस फाइल का साइज़ है 1.44 MB, तो लोगों के लिए इतना साइज़ बहुत होता है। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी डाउनलोड मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। हाँ, आप देख सकते हैं ये मेरा डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा आपके पास अगर डाउनलोड मैनेजर है तो आपका डाउनलोड ऐसे ही आएगा, अगर नहीं है तो नीचे की तरफ आता है, सभी को पता है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ। जैसे स्टार्ट करूँगा तो ये मेरा बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि 1.5 MB की फाइल थी। मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ जी, मेरा ओपन हो गया। मैं इसको ज़रा सा कर लेता हूँ एक्सट्रेट। और एक बात मैं आप लोग को बताना भूल गया, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने वाला जो क्रिएट करना चाहता है उसको थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसको अपने थंबनेल बनाने पड़ेंगे और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडिट करना ही पड़ेगा। तो जो भी हम लोगों ने फाइल को डाउनलोड किया है वो इस फोल्डर में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 JPG फाइल मिली है अपने को, उसके बाद 3 मिली है हम लोग को EPS फाइल। EPS जो फाइल होती है ये आप फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग को एक ये लोगो मिल गया है, राउंड वाला अच्छा लोगो है, ये बॉक्स वाला एक लोगो मिल गया है, और इस आई थिंक इस वन वाले के अंदर ये वाला लोगो होगा। तो जो भी अच्छा लग रहा है आपको लोगो आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक हम लोग को फर्स्ट वाला लोगो यूज़ करना है, तो पहले हम लोग अपना लोगो क्रिएट कर लेते हैं इसमें से। तो सबको मैं मिनिमाइज़ करूँ, अपना फ़ोटोशॉप ओपन करूँगा मैं। ये मैंने अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया, आपके पास कोई सा भी वर्जन का फ़ोटोशॉप होगा आप ओपन कर लेंगे। और जो लोगो आपने डाउनलोड किया है उसमें से EPS फाइल जो है उसको आप क्या करेंगे, ड्रैग करके अपने फ़ोटोशॉप में ले जाके छोड़ देंगे। EPS फाइल से क्या होगा, आप अपने लोगों को साइज जितना मर्जी लंबा खींच सकते हैं, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। EPS फाइल ओपन करते के साथ ही आपके पास ये ऑप्शन आएगा, मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पूछ रहा है पिक्सल। पिक्सल को हटा के आप इंचेस कर दें, अगर आप इंचेस समझते हैं, अगर आप पिक्सल समझते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप इंचेस कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ से इंचेस कर दिया मैंने, ये मेरे लोगों का साइज़ है 11x11, यानी 11 इंच x11 इंच आ रहा है। रेजोल्यूशन 300 है, 72 है, तो रेजोल्यूशन आप 150 या 200 या 300 भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 300 रखें, ठीक है, 250 भी कर देते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ 250 कर देता हूँ, ये 250 करते हैं। और यहाँ पे मोड CMYK कलर लिखा हुआ, CMYK में हमेशा जो कलर आता है इतना अच्छा दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वो प्रिंट आउट के लिए बहुत अच्छा कलर होता है। तो यहाँ पर आप RGB कर देंगे, ठीक है, RGB कर दिया। और यहाँ से मैं करूँगा ओके। ओके करने के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी फाइल को एक्सट्रेट करेगा। अभी ये अपनी फाइल आ गई है अब, ठीक है। अब इस फाइल को हम लोग को निकालना कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप के लोगो हैं। सारे लोगो में कहीं ना कहीं चेंजेस है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप जितना भी बड़ा करेंगे आप देख सकते हैं ये फट नहीं रहा अभी, ठीक है, बिल्कुल सही क्वालिटी आ रही है इसकी, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एक तो यहाँ पर ये लोगो आ गया है, ठीक है, इसको रखना चाहे तो इसको रख सकते हैं आप। अदरवाइज एक ये है, यहाँ पर ये वाला लोगो आ गया, एक ये लोगो है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है, जो मर्जी रख सकते हैं। ये तो हम मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले टीवी चैनल आता था हम लोगों का दूरदर्शन करके, उस टाइप का लोगो लग रहा है। तो आई थिंक मुझे तो इसका सारे लोगो ठीक लग रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं हम लोग, इस वाले लोगो को ले लेते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपके पास जो कटर होता है, ये कटर जो है, इस कटर पर क्लिक करना है और अपना जो लोगो है उस लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे। जितना मार्जिन हम लोग को चाहिए, इतना मार्जिन चाहिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जाएंगे एडिट पे, सॉरी एडिट पे नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे इमेज पे, ठीक है। मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे भी, इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे क्रॉप जो है ये दबा देंगे, ठीक है। मैं जैसे क्रॉप दबाऊंगा तो मेरी सारी इमेज कट जाएगी और जो मैंने लोगो सेलेक्ट किया था वो लोगो मेरा आ जाएगा। अब क्या करना है, मुझे लोगो PNG फाइल में चाहिए, PNG का मतलब पीछे का बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो साइड में टूल बार आता है, इस जगह पर टूल बार पर इस वाले टूल्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इसमें नीचे वाला, ठीक है। इसके लिए आप W भी दबा सकते हैं कीबोर्ड से अपना, डायरेक्टली वो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस लोगो वाले पे आके जहाँ पे भी वाइट कलर है मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँगा।
मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि एक लाइंस बनी आ गई है जहाँ जहाँ सेलेक्ट हुआ है, और ये अंदर भी एक थोड़ा सा वाइट है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे भी देख सकते हैं थोड़ा सा वाइट है, तो यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, और इस साइड भी वाइट है तो यहाँ पे भी क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, शिफ्ट दबा के, सॉरी सॉरी मैं भूल गया था बताना, शिफ्ट दबा के आप क्लिक करेंगे चारों तरफ जहाँ जहाँ आपको हटाना है, ठीक है। तो अब मैं ज़रा जूम हटा देता हूँ, अब मैं क्या करूँगा इसको अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दूँगा, ठीक है। तो मैंने ये दबा दिया, दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि पिक्सल पिक्सल वाला आपके पास बैकग्राउंड आ गया, ये यानी पीछे कुछ नहीं है अब इसके, ये बिल्कुल अब इसका इमेज हट चुका है। तो अब अपने को इसका सिर्फ उतना ही एरिया लेना है जितना एरिया हम लोग को ज़रूरत है। तो अपना ये वापस से क्रॉप जो टूल होता है इसको सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ तक अपने को चाहिए बस उतना ही एरिया रखेंगे, ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, इतना ले लेते हैं, ठीक है, इतना ले लिया हमने। लेने के बाद फिर से क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे और क्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को इसको सेव करना होगा, फाइल पे चलेंगे और सेव एस या सेव बटन है कुछ भी दबा देंगे, तो सेव एस दबाना है आपको, सेव नहीं दबाना, सेव एस दबाया, उसके बाद यहाँ पे फाइल टाइप ऑफ फाइल्स जहाँ पे आता है, यहाँ पे फ्रॉम फॉर्मेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप सेलेक्ट करके, आप यहाँ से आप PNG सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये रहा PNG का ऑप्शन, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जहाँ आप फाइल रखना चाहते हैं सेव करके वहाँ रख देते हैं। डेस्कटॉप में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है यूट्यूब के नाम से, ये वाला फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैं रख देता हूँ लोगों के नाम से, ठीक है, ये हो गया लोगो, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये जैसे सेव करूँगा एक छोटा सा ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना, डायरेक्ट ओके कर देना है, ठीक है। अब फोटोशॉप का काम हो गया हम लोग का, फोटोशॉप को भी करते हैं मिनिमाइज़, तो इसको भी बंद कर देते हैं। तो अब चलते हैं अपने यूट्यूब के फोल्डर पर, अभी हम लोगों ने क्या क्या काम कर लिया, इसका जीमेल एड्रेस क्रिएट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर मेरा जीमेल एड्रेस है, जीमेल एड्रेस क्रिएट हो चुका है, अपना लोगो भी आ गया अब, ठीक है। अब हम लोगों को डायरेक्टली YouTube चालू करना है, ठीक है। तो अब हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, तो अपना वापस से चलेंगे हम लोग अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम लोग खोलेंगे YouTube, ठीक है, YOUTUBE Ctrl+Enter, जैसे दबाएंगे तो मेरा चैनल इस पर ऑलरेडी खुला होगा, तो मैं उसको पहले, ओ नहीं नहीं खुला हुआ है यहाँ पर मेरा चैनल, यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन लिखा आ रहा है, इसका मतलब मैं लॉगिन नहीं हूँ पहले से। तो अभी क्या करना है अपने को, ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है, तो YouTube खोलना है चैनल, YouTube खोलने के बाद आपको यहाँ पे करना है साइन इन, साइन इन दबाएंगे जैसे ही हम लोग, तो होगा क्या, आप देखेंगे कि इसने आपसे साइन इन नहीं पूछा, क्योंकि हम लोगों ने जीमेल अकाउंट अभी अभी क्रिएट किया था, तो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, यहाँ पर एस देख सकते हैं, यहाँ पर एस आ गया फिर से। तो मैं फिर भी इसको एक बार लॉगआउट करके फिर से लॉगिन आपको करके दिखा देता हूँ। तो साइन इन दबाते के साथ ही आपके पास आ जाएगा ये वाला डैशबोर्ड, तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा, तो आपसे वो मांगेगा आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आईडी पासवर्ड मांगा, तो मैंने अपना आईडी लिखा और पासवर्ड लिखा और नेक्स्ट कर देंगे, जो अभी बनाया है ना मैंने ईमेल एड्रेस वही वाला डालेंगे, तो वो मैंने डाल दिया, मान लेते हैं मेरा यहाँ पर दिख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा डाला हुआ है, एक्चुअली वो सेव हो गया है मेरा, इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा, टाइप कर लेंगे आप, पासवर्ड डाल देंगे, और मैं वैसे यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड शो नहीं कर रहा है, तो पासवर्ड मैंने ये टाइप कर दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा मैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक सेव करने के लिए आएगा, आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेव कर देता हूँ, वैसे आप लोग ना सेव करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हैक होने का डर रहता है, कोई भी आपका कंप्यूटर जब हैक करेगा तो आपका आईडी पासवर्ड उसको मिल जाएगा, तो कुछ भी कर सकता है फिर वो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डैशबोर्ड खुला है, मेरे पास यहाँ पर मेरी कंट्री के वीडियो आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के वीडियो आएंगे, क्योंकि जिस लोकेशन से आपने बनाया है अपना एड्रेस तो उसी लोकेशन के आपके पास वीडियो आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर पे हम लोग का जो लोगों का साइन था जीमेल का, वो यहाँ पे आ गया है। तो मैं आपको एक बार जीमेल पे भी लेके चलता हूँ, ये जीमेल था, यहाँ पर देख सकते हैं सेम साइन है। तो अभी जो लोगो डाला था हम लोगों ने बनाया था, तो सबसे पहले तो मैं जीमेल में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको पता ही था कि यहाँ पर डालने का ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो ये आपसे ब्राउज मांगेगा अभी। तो जो लोगों, लेकिन लोगों का हम लोगों ने बहुत बड़ा साइज़ कर दिया था, आई थिंक वो इसमें नहीं डालेगा, मुझे छोटा करना पड़ेगा उसको, तो चलो इसको बाद में करते हैं, इस जीमेल में बाद में डालेंगे हम लोग, पहले यूट्यूब पे चलते हैं। तो यूट्यूब के अंदर आप, अब आपको क्या करना है, आपने सिर्फ लॉगिन किया अभी, सिर्फ अपने नए चैनल से मतलब नए जीमेल एड्रेस से लॉगिन किया है, चैनल अभी क्रिएट नहीं हुआ। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आना होगा यहाँ पर माई चैनल, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, माय चैनल, या तो फिर आपको जाना होगा यहाँ पे, तो हम लोग यहीं पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो बेटा वर्जन जो है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने जो डैशबोर्ड आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपके पास आ जाएगा ये, बिल्कुल सही चीज़ आई है, यही चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था। अब जो ये है आपसे पूछ रहा है कि, मैं आपको जूम करता हूँ, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो आनी चाहिए, वो अभी नहीं आएगी, वो हम लोग चैनल क्रिएट करने के बाद अपना लोगो लगाएंगे, और लोगो को साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, लोगो बहुत बड़ा रखा है हम लोगों ने रेजोल्यूशन, तो वो बाद में करते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ पे चैनल का नाम रख लेते हैं, आपको सोच समझ के नाम रखना होगा, ठीक है। बाद में आप चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है फिर आपके यूज़र पे, तो आप स्टार्टिंग में एक अच्छा नाम रख लें जिससे कि आपको बाद में कभी चेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोई टेक्निकल का चैनल बना रहे हैं तो टेक्निकल से रिलेटेड कोई नाम लिखेंगे, कोई फ़नी चैनल बना रहे हैं तो फ़नी से रिलेटेड आप रखेंगे, या तो कोई डिफरेंट टाइप का आप कुछ जो भी बना रहे हैं उससे मिलता जुलता आपको नाम यहाँ पर रखना है। तो मैं बेसिकली एक ऐसे म्यूज़िक वाला चैनल बना रहा हूँ, तो कुछ भी लिखते, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सेंटी, सेंटी लिखा ही हुआ है, तो सेंटी यहाँ पर कर देते हैं, म्यूज़िक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने सेंटी म्यूजिक, या फिर एस कर देते हैं, म्यूजिक्स कर देते हैं, ठीक है। इतना कर दिया, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट चैनल, यहाँ दबाते के साथ ही आपका चैनल हो जाएगा क्रिएट, आपका चैनल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका चैनल क्रिएट होगा तो आपके सामने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा व्यू आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही व्यू आएगा, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब आपके पास यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, होम बटन सिर्फ, लेकिन जब आपका चैनल पूरी तरीके से बन जाएगा तो यहाँ पे आपके पास और भी दो चार बटन आ जाएंगे। तो अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे जो कस्टम बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्टम चैनल देख सकते हैं, कस्टम चैनल, इसको दबाएंगे। इसको जैसे दबाएंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा, ठीक है, ये पेज आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके बटन आ गए सारे, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये बटन्स आ गए, यहाँ पर आ गया होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, चैनल्स और डिस्कश और अबाउट, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे डैशबोर्ड दूसरों का होता है। यहाँ पे ये यह आपका प्रोफाइल पिक्चर आएगा एक बड़े वाला, और यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है यहाँ पे आपका लोगो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो लोगो चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो छोटा सा पेंसिल बनी हुई आ रही है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, तो इसमें हम लोग एडिट दबा देते हैं। एडिट जैसे दबाएंगे तो आप एक नए चैनल मतलब एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, इस पेज पर, ठीक है। ये पेज पर आ जाएगा तो यहाँ पर आपसे पूछेगा अपलोड फोटो, तो यहाँ पे अपलोड फोटो के आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा, ब्राउज करने के लिए बोलेगा, तो आपको पता ही है कि आपने कहाँ पे सेव करी है अपनी लोगों की फ़ाइल, तो आप उसको लिंक करेंगे यहाँ से। तो मैं एक बार कर देता हूँ, ये फ़ाइल एक्चुअली बहुत बड़ी है, देखते हैं, आई थिंक चले जाना चाहिए, मैं डबल क्लिक किया है, ये चले जाएगा, हाँ ये अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड हो गया, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्रॉप करने के लिए एरिया आया है, तो आप अगर क्रॉप करना चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं करें आप, ठीक है। ये क्रॉप कर दिया है, और सॉरी मेरे से हट गया है, मुझे फिर से करना पड़ेगा, बाहर क्लिक नहीं करना, जैसे अभी मेरे से गलती हो गई कि बाहर क्लिक हो गया था, जो बॉक्स आया था जहाँ पे साइज, ये जो बॉक्स आया ना इसके बाहर क्लिक नहीं करना आपको यहाँ पर, नहीं तो आपको फिर से करना पड़ेगा जैसे मुझे अभी करना पड़ा। तो ये अपना यहाँ पर साइज सेलेक्ट करके यहाँ पर डन बटन बना हुआ आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं डन बटन है। और अपने लोगों को अगर आपको घुमाना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन है घुमाने का, ये दबा देंगे तो घूम जाएगा, तो जैसे मर्जी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले ही अच्छा था, ऐसे ही अच्छा है, तो मैं इसको डन कर रहा हूँ, ये मैंने डन कर दिया है। तो लोगो अब मेरा ऐड हो गया, अब ये लोगो ना डायरेक्ट मेरा जीमेल में भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे वहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ेगा, जीमेल पर भी अपना यही लोगो आ जाएगा और यूट्यूब चैनल पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो आ गया, लेकिन ये लोगो आपके यूट्यूब चैनल पर अभी शो नहीं होगा, कम से कम इसको 20 से 25 मिनट लगता है शो होने में, ये लग गया है। मैं वापस से जा रहा हूँ अब YouTube चैनल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे चला गया मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ से लोगो चेंज किया था अभी हम लोगों ने, तो यहाँ से सेंटेरॉय जो ये था इस पे आ गए हम लोग, ठीक है, यहाँ आ गए। तो यहाँ पे अभी लोगो चेंज नहीं हुआ मेरा, हम लोग एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने इस पेज को रिफ़्रेश किया है, आई थिंक नहीं आना चाहिए, और आ गया है, ओके, लोगो मेरा यहाँ पर आ गया। अब आपको यहाँ पर कोई इमेज डालनी होगी, या तो आप इस इमेज को साइज़ अपना चेक करके फ़ोटोशॉप से क्रिएट कर लें, अगर आप नहीं क्रिएट कर रहे तो कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐड चैनल आर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको दबा देंगे, ठीक है। इसको दबाने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा, और उस पेज में आपको फ़ाइल अपनी सेलेक्ट करनी, तो मैं यहाँ पे कोई कुछ भी फाइल डालूंगा, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा बटन, तो यहाँ से मैं कोई वाल पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये वाला कर लेते हैं, कीबोर्ड वाला अच्छा लग रहा है, तो
तो मैंने अपलोड कर दिया है, ये अपलोड हो रहा है अभी। और यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम फ़ाइल का साइज़ 6 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फाइल आपकी डिसमिस हो जाएगी। तो मेरी जो फ़ाइल है वो बहुत बड़ी फ़ाइल थी शायद, आई थिंक, तो इसलिए डिसमिस हो गया है। तो मैं फिर से क्लिक करता हूँ, कोई छोटी फाइल देखता हूँ। ये फ़ाइल एक्चुअली कितनी बड़ी थी? ओ ओके, फ़ाइल छोटी थी एक्चुअली, बड़ी नहीं थी, छोटी फाइल थी। ठीक है, ये सारी KB की फ़ाइलें आ रही हैं, आई थिंक ये सब में से कुछ नहीं डलेगा। हाँ, तो इस फाइल को मैं डाल लेता हूँ, ये फाइल एक अच्छी फाइल है, इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। आई थिंक ये डल जाना चाहिए। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजोल्यूशन, यहाँ पे बोलता है कि वो 2560x1440 साइज़ ऐसा होना चाहिए आपका, और यहाँ पे साइज़ बिल्कुल बता रहा है, इसी साइज़ में आपको डिज़ाइन बनाना होगा, और मैक्सिमम फाइल साइज़ 6 MB होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस साइज़ को देख के फ़ोटोशॉप में आप बना लेते हैं तो आपका बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। जो ये एरिया है ना, इस साइड का जो ये एरिया आता है ग्रे कलर का, वो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा अभी। तो अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे उठा के डाल दिया है, तो आई थिंक ये डल जाना चाहिए। ये फाइल मेरी अभी भी नहीं गई है, क्योंकि फिर से कुछ रेजोल्यूशन का कुछ चक्कर आ गया है इसमें। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप इसको कर सकते हैं। मैंने डायमेंशन आपको बता ही दिया है, वहाँ से आप डाल के कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें अभी टाइम वेस्ट करूँगा तो हम लोग का इंपॉर्टेंट बात छूट जाएगी। ठीक है, ये वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, लेकिन आप डाल सकते हैं। तो अब ये बन गया हम लोगों का चैनल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फिर से इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अभी अपने चैनल को आपको पहले वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो करना क्या, मैं एक बार जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको लोगो बना आ रहा है, इस लोगो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास क्रिएटर स्टूडियो दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ आपके बाहर क्या आएगा। आपके पास भी बिल्कुल सेम टू सेम कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गॉट इट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास अभी कोई भी वीडियो नहीं है यहाँ पर। तो YouTube की एक कंडीशन है, जो भी नया यूट्यूबर आता है, इसके अंदर नया चैनल आता है, तो कोई छोटा सा एक वीडियो उसको अपलोड करना पड़ता है। ध्यान रहे, वो वीडियो चोरी का नहीं होना चाहिए, किसी और से आपने उठाया नहीं होना चाहिए, कोई गलत वीडियो नहीं होना चाहिए, जैसे कि वायलेंस का कोई वीडियो नहीं होना चाहिए, चोरी का वीडियो नहीं होना चाहिए, और कोई कोई एडल्ट वीडियो नहीं होना चाहिए, कोई गाली ग्लोज वाला वीडियो नहीं होना चाहिए, और मतलब कि बेसिकली कुछ भी आप बना के डाल दो, लेकिन अपना होना चाहिए और कोई भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो कैसे डालें, क्योंकि मेरे पास तो सच में कोई वीडियो नहीं है। मैं फिर भी देखता हूँ, शायद कोई वीडियो मेरे पास पड़ा हो। मैं एक काम करता हूँ, फ़िलहाल तो मैं इंटरनेट से एक वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई ऐसा वीडियो जिसमें कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन मैं ये गलती कर रहा हूँ, आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपना वीडियो बना के डालना है फ़िलहाल के लिए, ताकि आपका चैनल अप्रूव हो जाए। उसके लिए आप अपने मोबाइल से बस ऐसे अपने घर का कोई दीवार का भी फ़ोटो खींच के डाल, मतलब वीडियो बना के डाल देंगे ना, ऐसे ही कुछ भी अपना साउंड वाउंड रिकॉर्ड करके डाल देंगे, बस उतना ही डालना है ताकि अप्रूव हो जाए। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए, मैं यहाँ पे इस वक्त कोई वीडियो निकाल लेता हूँ, टिकटॉक का कोई वीडियो निकाल लेता हूँ। टिकटॉक आपको पता ही होगा, तो इसमें से कोई गाने का वीडियो नहीं लूँगा मैं। इसको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ एक बारी, ये मेरा वीडियो डाउनलोड हो रहा है, तो इसको मैं फ़िलहाल के डालूँगा। आपको अपना वीडियो बनाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं लेके चलता हूँ डेस्कटॉप में फ़िलहाल। ये रहा मेरा वीडियो, मैंने कट किया और उठा के मैंने डेस्कटॉप में रख दिया, ताकि मुझे आसानी होगी उसको लिंक करने के लिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चैनल पर अभी आपके पास यहाँ पर बटन दिया हुआ है, ठीक है, अपलोड करने का। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है। दरअसल जब आपका चैनल चालू हो जाएगा, दो तीन वीडियो डाल देंगे, मतलब पहला वीडियो डल जाएगा, उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपका वीडियो डलेगा। तो फिलहाल मैं अभी एक वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने इस पर अपलोड किया। फर्स्ट आपको भी बिल्कुल ऐसे करना है, अपलोड वीडियो पर दबा देना है बटन। यहाँ दबाने के बाद आपके पास आ जाएगा ये डैशबोर्ड। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड आया आपके पास, जितनी बार भी जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो सेम टू सेम ऐसे डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पब्लिक को हटा के प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये लोगो बना हुआ है रेड कलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे फाइल ब्राउज़ करने के लिए मांगेगा। तो मैंने क्लिक किया, मेरे से फाइल ब्राउज़ करने के लिए मांग रहा, तो मैंने डेस्कटॉप में वीडियो रखा था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। हाँ, ये रहा, मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपलोडिंग चालू हो गई है, 18% हो भी गया है, और यहाँ पर डन बटन आ रहा है। यहाँ पर है बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में इसका नाम भी है, तो मैं नाम यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ फिलहाल। तो रख देते हैं टिक टॉक फनी वीडियो, ये टाइटल है मेरा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वीडियो के बारे में आपको लिखना है, लाइक दिस इज़ अ
वेरी फनी वीडियो यू मस्ट वॉच एंड गिव मी लाइक। और ये भी जरूर लिख दें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, मतलब लिखना है आपको। उसके बाद ये टैग होता है, टैग क्या होता है कि जब लोग सर्च करें तो उस वो वाला वर्ड भी जो आप यहाँ पर टैग में डालेंगे वो वर्ड भी अगर उनके सर्च में होगा तो आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टिकटॉक, टिक टॉक, ठीक है, मैं बाहर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस बटन बना हुआ गया, फिर आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। एक चीज़ और, अपना चैनल का नाम जरूर यहाँ पे आप डाल लें, ठीक है। मेरा जो चैनल का नाम है मैंने क्या रखा था, सेंटी म्यूजिक, ठीक है, SENTY स्पेस म्यूजिक, MUSIC, और S भी लगाया था, ये कर दिया, ये बाहर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी फेमस यूट्यूबर है, अभी आपका चैनल स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी फेमस यूट्यूबर है, जो जैसे कि आप अगर आप फनी चैनल बना रहे हैं तो जो भी फनी वीडियो बनाते हैं जो फेमस है, आप उनका चैनल का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि जब लोग उनके चैनल को सर्च करें तो आपका चैनल उनके बीच में आ जाए और आपका वीडियो भी लोग देखें और धीरे धीरे आपका वीडियो भी लोग देखना चालू हो जाए, ठीक है। जैसे कि अमित बडाना, ठीक है, ये कर देते हैं, अमित बडाना हो गया, बाहर कर देते हैं। फिर बीबी की वाइन, बीबी की वाइन, वो बीबी की वाइन वो वी लगाता है, ठीक है, ये हो गया। आप उस जैसे कि फ़नी वीडियो कर देते हैं, फ़नी वीडियो, तो आपको टेक्स्ट लिखने का यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो 500 वर्ड होता है, आप पूरा भरें उसको, पूरा का पूरा भरें। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आप कैसे दूसरों के टैग देख सकते हैं, ठीक है। टैग का मतलब शायद आप लोग नहीं समझोगे तो मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ, टिकटॉक फ़नी वीडियो, जैसे कि मैंने सर्च किया टिकटॉक फ़नी वीडियो, मेरे चार वर्ड को यूज़ किया, ठीक है, टिकटॉक यूज़ किया, टिकटॉक आपके यहाँ पर टैग में है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने, फिर उसके बाद यूज़ किया फ़नी वीडियो, तो फ़नी वीडियो भी है, तो यानी दोनों वर्ड आपके पास यहाँ पे आ गए तो आपका वीडियो रिजल्ट में आएगा। लेकिन नया चैनल है तो रिजल्ट में इतना आसानी से नहीं आएगा, आगे जाके आ जाएगा, तो आपको टैग भरना है, ठीक है। मैं आपकी और भी हेल्प करूँगा वीडियो बनाने, मतलब वीडियो का कंटेंट को कैसे अपलोड किया जाता है उस चीज़ के लिए मैं वीडियो अलग से बनाकर डालूंगा, तो आपको ऐसे करना है। ये मेरा हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधा यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट लिखा आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि पब्लिक देखे इसको, तो मैं प्राइवेट को हटा के यहाँ से पब्लिक कर देता हूँ, मैंने पब्लिक कर दिया। ये करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अगर आपने यहाँ से प्राइवेट ही रखा तो आपका ये वीडियो आप ही के पास रह जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, आपको पब्लिक करना है, ठीक है। पब्लिक करने के बाद आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से पब्लिश कर देना है, बस ये जो बटन आता है पब्लिश का, यहाँ पर ये कर देना है। जैसे करेंगे तो आपका विंडो हो जाएगा छोटा, और उसके बाद यहाँ पर जो ये लिंक आया है, ये लिंक हो गया आपका, आपको जो शेयर लिंक है ये आप शेयर कर सकते हैं, वैसे आपको यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदर भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद वापस से हम लोग इस जगह जाएंगे लोगों की तरफ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है YouTube स्टूडियो बेटा वर्जन जो है, आप इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जो ये बीटा वर्जन है ये एक्चुअली अभी लेटेस्ट वर्जन इन लोगों ने अभी डैशबोर्ड चेंज किया है, उसी को बोलते हैं यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो, तो वो इतना अच्छा तो है नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप क्लासिक में चलेंगे पहले वाले में, ये आपका अभी ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मेरा माउस आप ध्यान से देखेंगे, इस साइड में आपका यहाँ पर लिखा था क्रिएट स्टूडियो क्लासिक, ठीक है, क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक जो लिखा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा रीज़न, तो आप इसको अदर कर देंगे और आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये जो इन्होंने अभी अपडेट किया ये इतना ज़्यादा खास नहीं है, ये देखिए ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब आपका यूट्यूब चैनल एक्चुअली रेडी हो चुका है, लेकिन वेरीफाई अभी भी नहीं हुआ, आपने सिर्फ अभी एक वीडियो डाला है, ठीक है। तो अब यूट्यूब चैनल आपका वीडियो देखेगा और समझेगा कि आपने कहीं चोरी तो नहीं किया, कहीं आपने कुछ गलत चीज़ तो नहीं डाली है, तब जाके वो आपके चैनल को अप्रूव कर देगा। अभी आपका चैनल वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है, अप्रूव अलग चीज़ होता है, वेरीफाई अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो अभी आपको वेरीफाई करना है, तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लोगो है, यहाँ पर सेंटी म्यूजिक्स आ गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पर व्यू चैनल जहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है अपने चैनल को वेरीफाई करवाने के लिए। नहीं सॉरी, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पे जाएंगे, इस साइड के जो मेन्यू आता है इस पे जाएंगे, यहाँ जो चैनल लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद आपके पास जो डैशबोर्ड आएगा ये वाला डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। तो हम लोग को देखो यूट्यूब चैनल हम लोग क्यों बनाते हैं, नॉर्मल सी बात है, हम लोग को पैसा कमाना है, अगर हम लोग अच्छे कंटेंट डालेंगे,
अच्छा वीडियो डालेंगे तो हम लोग पैसे ज़रूर कमाएंगे, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हम लोग के पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 वॉच आवर टाइम होना चाहिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1000 सब्सक्राइबर गेन करना है स्टार्टिंग में, और 4000 वॉच आवर तो बिल्कुल छोटी बात नहीं है, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेन्यूस आ जाते हैं जिससे कि हम लोग अपना मोनिटाइज ऑन कर सकते हैं। मोनिटाइज क्या होता है? मोनिटाइज वो होता है जब आपके पास 1000 सब्सक्राइबर आ जाएंगे, 4000 वॉच टाइम आप गेन कर जाएंगे, 4000 मतलब लोग जब आपका वीडियो देखेंगे तो वो 4000 घंटा पार हो जाएगा, तब आप मोनिटाइज ऑन कर सकते हैं इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मोनिटाइज इनेबल करने के लिए बटन दिया है, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर देगा वो, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा तो आपके वीडियो में ऐड आना चालू हो जाएगी, जब वीडियो में ऐड आएगी तब आप कमाना चालू हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका जब आप नया चैनल चालू किया है, डिपेंड करता है उसके बाद आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आपके कंटेंट सच में बहुत अच्छे हुए तो आप 6 महीने के अंदर अंदर ये अपना आपका मोनिटाइज चैनल आपका ऑन हो जाएगा और आपका पैसा अर्निंग होना चालू हो जाएगा। अगर आपके कंटेंट ज़्यादा अच्छे नहीं हुए तो आपको साल भी लग सकता है, ठीक है। और आपके बहुत ही ज़्यादा अगर अच्छे हुए तो आपका 3 महीने के अंदर सारा कुछ रेडी हो जाएगा, 3 महीने के बाद ऐसे आपका पैसा आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब रही बात चैनल को वेरीफाई करने के लिए, तो चैनल वेरीफाई करने के लिए जब हम लोगों ने यहाँ पे चैनल पे क्लिक किया था तो हम लोग के सामने ये आया, यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ब्लू बटन पर तो हम लोगों को ये एक नए पेज पर ले जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 स्टेप है चैनल को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर आपसे कंट्री नाम पूछेगा, तो जो भी आपकी कंट्री होगी मतलब इंडिया होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं हिंदी में बना रहा हूँ तो इंडिया ही रहेगी, तो आप यहाँ से इंडिया कर देंगे। मेरा इंडिया नहीं है, मेरा दूसरा है, तो मैं अपने अपनी कंट्री का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जॉर्जिया हो गया, ठीक है, अमेरिका का जॉर्जिया जो है ये वही है, यहाँ पर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कि ये आपको OTP भेजेगा, तो आपको कॉल करें, यहाँ पर ऑप्शन है कॉल करें कि आपको मैसेज करें, तो मैं कहूँगा कि मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, तो मैं टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक किया, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन आ रहा है, ठीक है। सबमिट बटन कर दबा देंगे तो जो आपने नंबर, सॉरी यहाँ पे आपको नंबर देना पड़ेगा, मैं भूल गया, नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, ये मैंने अपना नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया और मैंने सबमिट दबा दिया। अब क्या होगा, अब ये एक कोड भेजेगा मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कोड के लिए, कोड मेरे पास आ चुका है, अब मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कोड जो आएगा आपके पास वो गूगल के नाम से आएगा, ठीक है। तो आपको कोड यहाँ पर टाइप कर देना है, ये मैंने टाइप कर दिया है, और सबमिट कर देना है। अगर आप मेरा कोड टाइप करेंगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सबमिट करेंगे तो आपका बस लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब चैनल अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड, ठीक है। आप कंटिन्यू कर देंगे। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने जीमेल क्रिएट किया, लोगो बनाया, उसका ढंग से नाम रखा, YouTube चैनल क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग का YouTube चैनल बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, अब हम लोगों को कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने कंप्यूटर अपना रिस्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये मैं अपना जीमेल अकाउंट को भी हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आप लोग को मैं सही से समझा सकूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे आप अपना यूट्यूब खोलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया यूट्यूब, ठीक है, .com, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पर साइन इन आएगा, तो साइन इन को दबाएंगे, साइन इन दबाते के साथ ही आपका साइन इन के लिए पूछेगा, तो आपको आईडी डालना है नॉर्मल, जो आपका आईडी आपने बनाया था उसका पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो मैंने सेव कर लिया था, आपने देखा था, फिर सेव किया था मैंने यहाँ पे, तो इसलिए मेरे से पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। तो आपको मैंने यहाँ पर आईडी डाल के पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देंगे, तो हम लोग पहुँच जाएंगे यूट्यूब के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आ गए, यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर जो लोगो आ रहा है मेरा बना हुआ, ठीक है, इस लोगो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यूट्यूब स्टूडियो बेटा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेटा पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो बेटा। उसके बाद ये हम लोग को ले जाएगा इस वाले डैशबोर्ड पे, जो कि डैशबोर्ड मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, अगर आप लोग को यहाँ पे समझ आता तो आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या क्या करूँगा, यहाँ से आपको पता ही है क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक जो यहाँ पर नीचे आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पर नीचे आता है इसको दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे रीज़न देना है, यहाँ से रीज़न दे देंगे, अदर कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि पुराने वाला स्टाइल आ जाएगा, पुराने वाला स्टाइल इसलिए मैं बोल रहा हूँ रखने के लिए, वो इजी होता है, उसमें आपको सब कुछ समझ आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये गॉटेड बोलता रहेगा आपको 2-3 जगह, तो वो आपको गॉटेड दबाना है। यहाँ पर जितने वीडियो अपलोड करेंगे यहाँ पर आएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर वीडियो है आपका, वीडियो का नाम है। एक बात और ध्यान रखें, आप
आप अपना वीडियो कभी भी क्लिक नहीं करेंगे। जैसे कि ये मेरा वीडियो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा वीडियो प्ले हो जाएगा। ओनर कभी भी अपना वीडियो प्ले नहीं करेगा अपने आईडी के साथ, जब तक कि इस कंप्यूटर में मेरा आईडी डाला होगा, मैं अपने वीडियो प्ले नहीं करूँगा। प्ले करने से यूट्यूब व्यू गेन करेगा, मतलब वो देखेगा कि व्यू हुआ है, वो कहाँ से व्यू हुआ है, उसी जगह से व्यू हुआ है जहाँ से वो चैनल बनाया, तो वो चैनल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आप अपना वीडियो किसी दूसरे के मोबाइल से देखें, ठीक है, अगर देखना ही है तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जीरो लिखा हुआ, यानी जीरो व्यू, कोई व्यू नहीं आया। कमेंट जीरो है, लाइक जीरो है, डिसलाइक भी जीरो है। ठीक है, तो अभी कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी तो डाला ही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्यू, यहाँ पर टोटल व्यू दिखाएगा आपको, यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर दिखाएगा, कोई सब्सक्राइबर नहीं, जीरो है। यहाँ पर आपके वॉच टाइम दिखाएगा, यहाँ पर आपका व्यू दिखाएगा, यहाँ आपके सब्सक्राइबर दिखाएगा, और कुछ दिन के बाद यहाँ पर आपको पैसे भी दिखाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम कर दिया, अब आपको छोड़ देना है सिर्फ 24 घंटे के लिए। उसके बाद से आपको इसमें कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते जाने हैं। और एक चीज़ और, कि जैसे कि अब मैं क्या करूँ कि मेरे वीडियो डाल दिया, अब लोग कैसे देखेंगे मेरे वीडियो? अगर आपने सिर्फ डाल के छोड़ दिया तो आपका वीडियो कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि आपका वीडियो सर्च में आएगा ही नहीं। अब आपको क्या करना होगा, ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा फिर से मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर जो ये बटन बना हुआ है ना, यहाँ पे जो ये बटन बना रहा है एडिट, इस एडिट पे आप दबाएंगे। जैसे आप एडिट दबाते हैं तो आपको इस वीडियो को एडिट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में जहाँ मेरा माउस है, सेलेक्ट किया मैंने, ये इसका हो गया शेयर लिंक। ठीक है, इस लिंक को आपको करना है सेलेक्ट, कर देना है आपको कॉपी। उसके बाद इस लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक एक करके सेंड करेंगे, अगर आपने एक एक करके सेंड किया अपने व्हाट्सएप में तो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप का टर्म एंड कंडीशन है कि 5 से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते किसी को। अगर लेकिन अगर आपने 5 बंदों को भेजा तो आई थिंक 5 बंदों में ही वो ब्लॉक कर देगा। तो बेटर है कि अगर आपने ग्रुप बनाया हुआ तो आप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, एक ग्रुप में शेयर करेंगे तो सबको मिल ही जाना है, तो कोई ना कोई तो देखेगा ही देखेगा। ठीक है, ग्रुप में शेयर करने का तरीका मैंने बता दिया, मतलब व्हाट्सएप में शेयर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वो हो गया। फेसबुक में भी आपका ऐसे कंडीशन है, फेसबुक में आप जो मैसेज जो टेक्स्ट करते हैं ना, वो आप 30 से 40 भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। उससे ज़्यादा भेजेंगे तो आपका यूट्यूब आपका फेसबुक चैनल भी बंद हो जाएगा। तो आप अपने डैशबोर्ड में भेज सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टाग्राम में नहीं भेज सकते ये लिंक। आपके पास जो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है आप सब में शेयर करेंगे, आपको सबसे पहले इसमें व्यू गेन करने होंगे। और इम्पोर्टेंट बात, आपका ये न्यू चैनल है तो आप अपने पूरे फैमिली से बोलें कि सब सब्सक्राइबर करें। ठीक है, सारे दोस्तों को फ़ोन कर करके बोलें कि सब्सक्राइबर करें। अगर आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो गए तो यूट्यूब, उसके बाद यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि हाँ आप सच में यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं। अगर आपके 100 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होते, यूट्यूब को लगता है कि आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर आपको बना रहे हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सबको बोलना पड़ेगा सबसे पहले कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे सब्सक्राइब करवाना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सब्सक्राइब होगा तो यूट्यूब का ध्यान जाएगा आपकी तरफ। उसके बाद वो आपके वीडियो, जब आपका वीडियो के अंदर 100 लाइक हो जाएगा तो वो खुद ब खुद प्रमोट करना चालू कर देगा। तो ये इसके टर्म एंड कंडीशन होती है। इसमें अभी बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताया कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताने की कोशिश करी, तो मैंने आपको बता दिया। ये जो शेयर लिंक है, जो इसका शेयर वाला जो लिंक है, आप इसको ढंग से शेयर करें। ठीक है, और नए चैनल के लिए अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपको ये बता दूंगा कि आप अपने वीडियो को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट का मतलब आप जानते होंगे कि प्रमोट करने का मतलब होता है कि हम लोग को थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं कंपनी को, और वो कंपनी हम लोग का वीडियो यूट्यूब के अंदर प्रमोट कर देगा। एक ही दिन में हम लोग के पास 1000-1000 व्यू आ जाते हैं, सब्सक्राइबर आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा फ्री में कैसे प्रमोट किया जाता है। उसके लिए लगेगा हम लोग को सिर्फ एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको लिंक दूंगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग इसको इतना ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे वीडियो, किसी दूसरे के चोरी किए हुए वीडियो को कैसे आप अपलोड करेंगे। ये बेसिकली इलीगल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि नए यूट्यूब चैनल के लिए बहुत दिक्कतें होती है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक जब नया यूट्यूबर था, मैंने भी बहुत सारे वीडियो चोरी करके लगाए थे। उस टाइम तो कम सिक्योरिटी थी, अभी लेकिन बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी ये था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना होता है नया, ये हम लोगों ने कर दिया है। ये हम लोग का डैशबोर्ड आ जाता है, यहाँ से हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस यूट्यूब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, अगर आप लोग को, और इसी चैनल से बताऊंगा। तो गाइस अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबा हो चुका ऑलरेडी,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को जितना भी हो सके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप घर बैठे यूट्यूब चैनल चालू कर लेते हैं, अगर यूट्यूब चैनल आपका चल पड़ता है, अगर महीने का भी अगर आप एक वीडियो डालेंगे तो आप बहुत कमाएंगे। आप जानते होंगे अमित बडाना पहले हर दो दिन में वीडियो डालता था, जब चल पड़ा है उसका, जब उसको लाखों सैलरी आ रही है, अब महीने में एक वीडियो डालता है। अमित बडाना हो गया आपका, ये बीबी की वाइन, आप तो इसको जानते हैं कि ये अपना दिल्ली का बंदा है, और इसके वीडियो बहुत ज़्यादा, इसने तो बहुत कमाया, इसके तो 25-25, 30-30 लाख रुपए सैलरी आती है इसकी, तो अभी भी आती है, और ये तो दो दो महीने में, तीन तीन महीने में एक डालता है वीडियो। तो यूट्यूब अच्छा है प्लेटफॉर्म है, लेकिन काम अच्छा करना चाहिए आपको, चोरी वोरी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी मैं चोरी करने का तरीका बताऊंगा आपको, मतलब सब चीज़ बताऊंगा, क्योंकि नए यूट्यूबर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख के बताइए कि मुझे इसका नेक्स्ट वीडियो बनाना है अभी कि नहीं बनाऊँ, और मुझे क्या क्या और आपको इसमें क्लियर करना चाहिए। मुझे अपने आप क्वेश्चंस मुझे आप मेरे व्हाट्सअप में आप लिखें, सॉरी व्हाट्सअप कह रहा हूँ, इसके कमेंट सेक्शन पर आप लिखें, तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, हो सके तो मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। ठीक है गाइस, तो मैं अभी वीडियो क्लोज़ करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। I hope you guys enjoyed the video. If you really did, don't forget to like, comment, share, and of course, subscribe to my channel. Thank you so much, guys, for watching. Love you guys.